इस्लाम में ये कहा गया है कि हिंदू जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसे हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नजर से देखता है और किसको वो नजर से देखता है। हिंदुओं को माफ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ कर देगा, ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ करता है, हिंदू को नहीं माफ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है तो वो काफी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से खुदा के अहकाम पे अमल करने के बाद, यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकाम पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहां मैं कह रहा हूं कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे, चाहे कोई भी हो। आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा जो हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है, टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है बराबर, लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो। जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है वो पास होगा। आपका मालिक हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मजहब की किताब में, यहूद मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, इस्लाम मजहब की किताब में, सिख मजहब की किताब में, कि मालिक एक है, मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं। मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूंगा जो खुदा के अहकाम पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते हाँ के नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आपका लीजिए मेरी तकरीर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद
सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5-8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10-27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटप सूक्ता पढ़िए अथर्वावेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1-14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वावेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6-7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वावेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वावेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नारा शंसा। नारा शंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है, उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है, आप नहीं समझे। वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए, आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोजा कॉन्फ्रेंस जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो, जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुबहाना ताला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है।